हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है आओ संविधान पढ़ें। देश को अगर मजबूत करना है, सशक्त बनाना है, सबको खुशहाल करना है, तो मेरा अपना दृढ़ विश्वास है कि हमें संविधान को समझना होगा, इस पर खुद भी चलना होगा और ऐसी सरकार चुननी होगी जो संविधान पर चले। चुनने के बाद सरकार के कामों पर हम लोगों को नज़र रखनी होगी कि वो संविधान के अनुसार ही चलती रहे। तो हम संविधान को समझने की कड़ी में आज एपिसोड 1 लेकर आए हैं, जिसमें हम समझेंगे कि संविधान निर्माण के समय देश की दशा क्या थी। जैसे आज हम लोग जो आज की समस्याएं हैं इन्हीं को लेकर के चिंतन मनन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वैसे ही हमारे संविधान निर्माताओं के सामने संविधान बनाते समय क्या चिंताएं रही होंगी, उस समय कौन सी चुनौतियां रही होंगी, कौन सी दुश्वारियां रही होंगी, इन लोगों की और देश की उस समय क्या अवस्था रही होगी, अगर हम इसको जानें तो हम संविधान को आसानी से समझ पाएंगे। कभी भी किसी भी चीज को अगर समझना है तो जिस समय पैदा हुई उस समय की अवस्था क्या थी, दशा क्या थी, ये जानना बहुत जरूरी है। तो आइए चलते हैं, संविधान निर्माण के समय देश की दशा को समझते हैं। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। सबसे पहले हम अपने इन सभी महान पूर्वजों को नमन करते हैं कि इन्होंने हमारे जीवन को खुशहाल बनाने के लिए, सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए एक ऐसी पुस्तक की रचना की जो इनकी प्रतिष्ठा के समान ही प्रतिष्ठित है, जो इनके व्यक्तित्व के समान ही साफ सुथरी और पवित्र है, जो इनके त्याग और समर्पण के आधार पर मान्यता प्राप्त है। मैं आगे चलूं इसके पहले बता दूं कि उस समय बहुत से मुल्कों ने अपने संविधान लिखे, लेकिन नेताओं की वहां के जनता में कम पकड़, नेताओं के प्रति जनता में वो विश्वास न होना जो होना चाहिए के कारण से अनेक देशों में संविधान कई कई बार उलट दिया गया और बार बार लिखना पड़ा है। अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान में कई बार लिखा गया, श्रीलंका में कई बार लिखा गया, नेपाल में आज तक लिख नहीं पाए हैं, फ्रांस में कई बार लिखा गया, जर्मनी में कई बार लिखा गया। तो जो लोग ये कहते हैं कि इस किताब में है क्या, पूरी दुनिया के किताबों से टुकड़े जोड़ दिए गए हैं, उनको आप जवाब दीजिएगा कि पूरी दुनिया से अच्छाइयों को खोज कर लाया गया है, टुकड़ों को नहीं लाया गया है। और लाने वाले इतने साफ सुथरे पवित्र थे कि उनके द्वारा लाई गई अच्छाई आज भी अपनी चमक बिखेर रही है, और इसी नाते हम भारत की जनता अपने इन पूर्वजों के प्रतिनिधि हैं। वहां के नेताओं में वो क्षमता नहीं थी, अच्छी चीज वो लोग भी ले आए थे, लेकिन जनता में उसको उस तरह से प्रयोग में नहीं लाए और न तो जनता का उनके प्रति विश्वास था, इस नाते वहां के संविधान में जनता का विश्वास नहीं जगा और बार बार बदलना पड़ा। तो हमारे देश इस मामले में बहुत सौभाग्यशाली रहा कि हमें ऐसे महान पूर्वज लोग मिले जो मिल बैठकर संविधान की रचना किए। संविधान की रचना की सबसे अनुपम विशेषता जान लीजिए कि संविधान का हर एक उपबंध, हर एक अनुच्छेद आम सहमति से पारित हुआ है। सारे लोग बोल लेते थे, सब लोगों के प्रश्नों का उत्तर हो जाता था, जो असहमत होता था उसे तर्क से समझा करके सहमत करा लिया जाता था, तभी उस अनुच्छेद को पारित किया जाता था। ऐसे हमारा संविधान पारित हुआ है, शायद ही दुनिया की कोई किताब इस तरह से लिखी गई हो। आइए चलते हैं उस समय की दशा देखते हैं। दोस्तों, आपके सामने एक नक्शा है, ये आजाद भारत का नक्शा है। जैसे ही भारत आजाद हो गया है, बल्कि उसके कुछ दिनों बाद का है, आप इसमें जो ये ब्लू कलर का, लाइट ब्लू कलर का कलर देख रहे हैं, यही आपका भारत है और ये पाकिस्तान,
ये पूर्वी पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, भारत के दोनों तरफ पाकिस्तान था। इंदिरा गांधी ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान से इस उसके पूर्वी पाकिस्तान हिस्से को अलग करवा दिया, जिसमें भारत पाकिस्तान युद्ध हो रहा था, और इसे दुनिया के नक्शे पर एक नए देश के रूप में पैदा कर दिया। इसी नाते स्वर्गीय इंदिरा गांधी को लौह महिला कहा गया था। यहाँ के लोग क्रूरता करते थे, यहाँ जाकर सेना अध्यक्ष और तमाम लोग, तो इन लोगों की आज़ादी के लिए जो लड़ाई यहाँ के अंदर के लोग लड़ रहे थे बांग्ला मुक्ति मोर्चा के नाम से, उसको इंदिरा जी ने जब सहयोग किया तो अमेरिका ने यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में अपना युद्ध का सातवां बेड़ा भेजने की धमकी दी थी, लेकिन इंदिरा जी रुकी नहीं थी और उन्होंने ये कारनामा कर दिखाया था। तो मैं इतनी बात क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि आज के नक्शे में अगर आप देखेंगे तो ये बांग्लादेश दिखेगा, लेकिन ये नक्शा चूंकि भारत के आज़ादी के तुरंत बाद का है, तो यहाँ आपको ये उसी रंग में दिख रहा है जिस रंग में पाकिस्तान है, यानी ये पूर्वी पाकिस्तान। तो भारत की एक चुनौती ये भी थी कि जब ये विभाजित हुआ तो दोनों ही तरफ पाकिस्तान है, और बहुत दिन तक इसकी वजह से भारत परेशान रहा, दोनों सीमाओं पे युद्ध होने लगता था। आप यहाँ जो कश्मीर देख रहे हैं वो अलग रंग में है। दरअसल जब देश आज़ाद हुआ तो दो टुकड़े में नहीं हुआ था दोस्तों, तीन टुकड़े में हुआ था, भारत, पाकिस्तान और कश्मीर। कश्मीर का राजा अपना विलय करने को तैयार नहीं था। वो क्या कहता था कि हम न तो भारत में रहेंगे न पाकिस्तान में। दरअसल 1947 भारत स्वतंत्र अधिनियम जो ब्रिटेन की संसद ने पारित किया था, उसमें रियासतों को ये छूट थी कि आप चाहें तो भारत गणराज्य में शामिल हों, चाहें तो पाकिस्तान गणराज्य में शामिल हों, चाहें तो न शामिल हो, यानी इनको पूरी तरह आज़ादी थी। तो सारी रियासतों ने तो कहीं ना कहीं मिलना स्वीकार किया, चाहे बल से चाहे आम सहमति से, लेकिन जम्मू कश्मीर रियासत का राजा हरि सिंह, राजा हिंदू, प्रजा वहाँ की बहुसंख्यक मुस्लिम, वो भारत में मिलने को तैयार नहीं हुआ और पाकिस्तान में भी नहीं मिला। वो भारत से इतनी नफरत करता था कि जब यहाँ से कबायली सेना 1948 में आज़ादी के तुरंत बाद हमला करती है, पाकिस्तान की सेना कबायलियों के बेस में, तो ये व्यक्ति नेहरू जी से मांगता है, क्या सहायता मांगता है। नेहरू जी कहते हैं भाई आप तो अलग मुल्क हो, हमारे मुल्क की सेना वहाँ कैसे जा सकती है, आपके अंदर की बात है, क्योंकि पाकिस्तान के सैनिक कबायली के बेस में लड़ रहे थे, वो ये दिखा रहे थे कि ये कश्मीर के भीतर के ही लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो किसी देश के भीतर के लोग आपस में लड़ेंगे तो दूसरे देश की सेना वहाँ कहाँ जाएगी। समझिएगा दोस्तों, मैं यही लाइन एक बार बोल दिया था तो कोई व्यक्ति चैनल पे हमसे लड़ने लगे, आप कश्मीर को अलग देश बता रहे हैं। अरे मैं नहीं बता रहा हूं, राजा हरि सिंह ने अलग देश डिक्लेयर किया था। पाकिस्तान आज अलग देश है तो कहना पड़ेगा ना, तो उस समय अलग देश था। तो नेहरू जी ने एक बड़ी चालाकी की, इन्होंने कहा कि आप हमारे में विलय कर लीजिए तो आपका हिस्सा हमारा हो जाएगा और तब हम आपकी रखवाली के लिए सेना भेज देंगे, जबकि सेना यहां तक भेजी जा चुकी थी। तो जैसे ही ये संधि पत्र करते हैं, विलय पत्र करते हैं, सेना जाती है, लेकिन तब तक कबायली जहां तक कब्जा कर लिए थे वहां तक ही आपकी नियंत्रण रेखा बना दी गई। तुरंत संयुक्त राष्ट्र संघ में बात गई और उसने कहा कि जहां तक जिसकी सेना है वहां तक रुक जाइए। तो इसी नाते ये हिस्सा हमको इतना दिखता तो है, लेकिन ये सब पाक अधिकृत कश्मीर है जो पाकिस्तान के हिस्से में है। राजा हरि सिंह क्या किए, वो भारत में नहीं रहे, विलय पत्र लिखने के बाद वह व्यक्ति भारत में नहीं रुका। अपने बेटे कर्ण सिंह को उन्होंने कांग्रेस में शामिल करवा दिया, कर्ण सिंह अभी भी कांग्रेस में हैं, लेकिन वो स्वयं भारत में नहीं आए, वो चले गए गोवा, यहाँ बंबई के नीचे गोवा है जो उस समय पुर्तगाल का हिस्सा था, पुर्तगाल यूरोप का एक देश है जैसे ब्रिटेन है, तो पुर्तगाल वाले हिस्से में रहे। 1961 में गोवा भी भारत में मिला लिया गया, लेकिन उससे पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। यानी उस व्यक्ति को भारत से इतनी चिढ़ थी कि वह भारत में न तो विलय किया और जब मजबूरन विलय किया तो भी भारत में शामिल नहीं हुआ। जो लोग ये कहते हैं आपसे कि यहाँ क्यों नहीं पटेल जी काम किए, यहाँ क्यों नहीं नेहरू जी काम किए, दरअसल जो राजा मानेगा वहाँ आप काम करेंगे। और दूसरी बात कि जहाँ बीच का इलाका था वहाँ तो सेना भेजी जा सकती थी,
इसको यहाँ के इलाके को ब्रिटेन अमेरिका का समर्थन प्राप्त था, क्योंकि जब नक्शा देखेंगे तो इसके ठीक ऊपर यहाँ रसिया आके जुड़ता है, रूस, इधर से चाइना जुड़ता है, इधर से अफगानिस्तान जुड़ता है। तो ब्रिटेन चाहता था कि ये अलग से इलाका ऐसे ही बचा रहे और उसको उलझा कर वहाँ युद्ध करवा कर हम छावनी बना लें, लेकिन ये नहीं हो पाया। तो वो विवादित होने के बहुत सारे कारण हम फिर बाद में कभी चर्चा करेंगे। अभी ये चर्चा मैंने इसलिए की ताकि आप ये जानिए कि जिस समय भारत का संविधान बन रहा था उस समय इस रियासत को लेकर बहुत लफड़ा चल रहा था, इधर युद्ध चल रहा था। भारत पाकिस्तान का यहाँ 1948 में पहला युद्ध हुआ है और देश 47 में आज़ाद हुआ है, 1950 तक संविधान बना है। आज के नेता उन नेताओं को केवल गाली दे दें, क्या कहा जाए, कितना एक साथ वो लोग कर रहे थे। आगे देखते हैं, ये भारत पाकिस्तान जब विभाजित हुआ है तो ये लाइन खींची गई, रेडक्लिफ लाइन। रेडक्लिफ कौन थे? रेडक्लिफ सेना के अधिकारी थे, उन्होंने ये लाइन देखी खींची है, कश्मीर इसमें बाहर है, यहां खींच के छोड़ दिया और इधर ये लाइन खींचा। तो ये रेडक्लिफ लाइन के जरिए भारत से पाकिस्तान को और आज के भारत से आज के बांग्लादेश को अलग किया गया। 1947 15 अगस्त को देश विभाजित होकर के आजाद होता है, विभाजित होकर आजाद होता है, एक ही समय पर विभाजन और आजादी दोनों मिली, आपको बटी हुई आजादी मिली। लेकिन संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो रहा है, उससे 8 साढ़े 8 महीने पहले, बल्कि 9 महीने पहले भारत में संविधान सभा का गठन हो चुका था। वो संविधान सभा का गठन स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाने के लिए नहीं हुआ था, क्योंकि आजादी तो मिली नहीं थी, तो कौन जान रहा था कि ब्रिटेन की संसद कुछ दिन में आजादी दे देगी। ये कहा गया था कि आप लोग अपने देश के लिए यानी पूरे भारत के लिए संविधान बनाइए, बस केवल ऊपर की टॉप बातें ब्रिटेन गवर्न करेगा, शेष आप लोगों को मिल जाएगा। तो इस बात पर सब लोग साथ थे, मुस्लिम लीग भी साथ में थी, लेकिन वो विरोध कर रही थी क्योंकि 1946 से ही वो दंगा भड़का रही थी, डायरेक्ट एक्शन कर रही थी। तो वो संविधान सभा में शामिल होकर के भी विरोध किया करती थी, बैठकों में नहीं आती थी। इधर जो समाजवादी नेता उस जमाने के थे, उनको ये डर लग रहा था कि अंग्रेज कहीं हमको बहका तो नहीं रहे हैं, ये संविधान सभा बनवा के हमको बैठा देंगे उसमें और हम कुछ भी कागज लिख कर देंगे, यानी कुछ भी संविधान बनाएंगे, लागू नहीं होगा। तो नेहरू जी से सारे सवाल हो रहे थे। नेहरू जी ये कह रहे थे कि भाई जब संविधान सभा बनाने का हमको मौका मिल रहा है, देखिए उस समय आपको कतरा कतरा आज़ादी लेनी पड़ रही थी क्योंकि सारी चीज़ उनके हाथ में थी, आपके हाथ में अपनी बात कहने तक का भी अधिकार नहीं था। तो उन्होंने कहा कि हम इसको बनाएंगे और अगर अंग्रेज हमको रोकेंगे तो हम इसके लिए फिर जनता का आंदोलन चलाने लगेंगे। तो बहुत बड़े पैमाने पर लोग इस बात को माने थे, लेकिन उसी समय दंगा भड़का, पूरा भारत दंगों में झुलस रहा था। भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, पूरा भारत दंगों में झुलस रहा है, लोग भाग रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। ये देखिए नोआखाली में दंगा, वहां तो महात्मा गांधी गए थे, बहुत सारे लोग मारे गए थे, लेकिन उसी समय लाल किला पर जब देश को आजादी मिल रही है, लाखों लाख लोग उस समय पहुंच जाते, इतना खुशी है। मैं एक इस चित्र को इसलिए डाला हूं, हिटलर का चित्र है। जिस समय आपके देश को आजादी मिली उसके कुछ ही समय पहले दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वार कब खत्म हुआ है? अगस्त 1945 में। आपको उसके 2 साल बाद आजादी मिलती है। आपकी आजादी मिलने में सेकेंड वर्ल्ड वार का सबसे बड़ा हाथ है, जान लीजिए। हम लोग इसको कभी पढ़ते हैं ना पढ़ाते हैं, क्योंकि आम जनता नहीं समझ पाएगी। दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वार में ब्रिटेन इतना कमजोर हो गया था कि वो अपने पैर पर खड़ा होने लायक नहीं था, क्योंकि हिटलर से लड़ने में उसके बहुत सारे संसाधन नष्ट हो गए थे। तो रसिया और अमेरिका से मदद मांगा था। रसिया और अमेरिका, ये दोनों में क्रांति हो चुकी थी, दोनों में स्वतंत्रता थी उस समय। तो इन लोगों ने एक शर्त पर मदद की कि जैसे ही तुम विश्व युद्ध जीत लोगे, अपने सारे उपनिवेशिक देशों को आजाद कर दोगे। इसके लिए वही UNO चार्टर बना, जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर आप कहते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि सारे देशों को आजाद किया जाएगा। तो वहां से भी अमेरिका और रूस का दबाव था कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ तुम आजादी दो। तो इस नाते हमको आजादी मिली है, और इसी नाते केवल हम ही को नहीं मिली है, ब्रिटेन के अधीन मुल्कों में से सबसे पहले इराक को आजादी मिली थी। हम लोगों की आजादी के बाद ही बहुत सारे मुल्कों को आजादी मिली।
फ्रांस के उपनिवेशिक देशों को 1961 तक आज़ादी मिली है। तो खैर हम फिर वापस लौट लेते हैं। ये देखिए ये संविधान सभा की प्रारूप समिति की टीम की फोटो है जिसमें बाबा साहब बैठे हैं जो इसके अध्यक्ष थे। ऊपर बीएन राव साहब हैं, माना जाता है कि प्रमुख शिल्पकार ये थे, इनका मार्गदर्शन था। ये अंबेडकर साहब जी ने खुद बोला है कि मुझे श्रेय मिल रहा है लेकिन सारा काम बीएन राव ने किया है। सोचिए इन लोगों में कितना एक दूसरे को समर्पण था, ये कितना समर्पण था, कोई ऐसी बात ही नहीं। ये आप सील देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी भारत के संविधान सभा की ये मुहर थी जो 25 जनवरी 1950 को भंग की गई। 25 जनवरी 1950 तक संविधान सभा की यही मुहर काम आ रही थी और इसमें पूरा भारत है, अखंड भारत है, बांग्लादेश भी है और आपका पाकिस्तान भी है, क्योंकि जिस समय संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में उस समय ब्रिटिश भारत पूरा एक था, यानी कि पाकिस्तान और भारत एक था, बांग्लादेश एक था। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में सदस्यों को संबोधित कर रहे हैं। हाँ ये वो सील है, यही वो मुहर है, भले हम चर्चा कर चुका हूं। ये संविधान सभा के सदस्यगण हैं, आप इनमें से फोटो से पहचान पा रहे हों, जिनको उनको पहचान लीजिए, मैं फोटो गैलरी से ला करके यहाँ रखा हूँ। तो ये उस समय के लोग हैं, हमारे सभी महान पूर्वज जिन्होंने हमारे लिए लड़ाइयाँ लड़ी। तो आज हम चलते हैं संविधान के निर्माण के समय देश की दशा को समझने। अब अगली बात, आप कहेंगे सर ये सब बता के क्या हमको दिखाना चाह रहे हैं। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जिस समय संविधान बन रहा था भारत और पाकिस्तान का कश्मीर में युद्ध भी चल रहा था, हिंदू मुसलमान के भयानक दंगे हो रहे थे, तमाम लाखों लाख करोड़ों शरणार्थी आए हुए थे और जो यहाँ से जा रहे थे उनको हिंदू और सिख उनके साथ भी ज्यादती कर रहे थे, तो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की चुनौती हो गई थी। ऐसा नहीं है कि और मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा था, हिंदुओं और सिखों ने भी मुसलमानों को मारा था, दोनों एक दूसरे को मार काट रहे थे। गौतम बुद्ध के देश में, महात्मा गांधी के जीवन काल में ऐसा हुआ था। इस दिमाग को घुमा दिया जाए तो आज भी राक्षस बन जाता है। फिर एक और समस्या, अंग्रेज देश को बेसहारा छोड़ के जा रहे थे। आपके पास उस समय लिटरेसी दर कितनी थी जानते हैं? 16% लोग साक्षर थे, 16%। आज तो सवर्णों की आबादी 16% आ रही है बिहार में, यानी केवल सवर्णों की आबादी जितनी है उतने के बराबर ही भारत में कुल साक्षर लोग थे, प्रतिशतता के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। सारी महिलाएं लगभग अनपढ़ थी, कुछ ऊंचे घरानों की, ऊंचे जातियां नहीं, ऊंचे घरानों की छोड़कर जो लोग प्रोग्रेसिव माइंड के थे। शिक्षा का दर बिल्कुल डाउन था, यानी हमारा नेता अगर हमसे कोई शिक्षित का काम लेना चाहेगा हम लोग थे ही नहीं इस लायक। मैंने कल अपनी वीडियो में एक बात बोली है कि आप आरक्षण की मांग तब करने लायक हो पाएंगे ना जब आप आरक्षण से नौकरी करने लायक हों, जब पढ़े ही नहीं रहेंगे तो कैसे, उस समय तो कोई पढ़ा था ही नहीं। तो सबसे पहला काम क्या करना था, देश को शिक्षित बनाना था। पहली सरकार ने पूरे भारत में गांव गांव में स्कूल खुलवाए, प्राइमरी स्कूल, बाद में उनकी संख्या और बढ़ाई गई, पहले 2-4-10 गांवों के बीच में था, बाद में फिर और घना किया गया, शिक्षकों की नियुक्ति हुई, सबको सैलरी और पेंशन की व्यवस्था थी, जबकि देश के पास जो जनता थी वो टैक्स देने लायक नहीं थी। टैक्स कहाँ से देंगे, खाने को अनाज तो था ही नहीं, पहनने को तो कपड़ा नहीं था। तो देश में उद्योगों की स्थापना भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। पूरे भारत में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पहले बांधों की स्थापना करवाई गई, भाखड़ा नांगल बांध, रिहंद बांध, जिससे कि सिंचाई की व्यवस्था हो सके। ये सब एक सरकार के कार्यकाल में हुआ है। बहुत मुझे दर्द होता है जब कोई उन नेताओं में से किसी को भी अपमानजनक भाषा में बात करता है, गाली देता है। उनमें मतभेद रहेंगे ही क्योंकि वो सब इंटेलेक्चुअल लोग थे, फिर भी इतना सहमत होकर के एक साथ बना लिए संविधान जैसा चीज। हम उनकी समीक्षा करें, आलोचना करें, लेकिन हम में से किसी को हक नहीं है कि उनमें से किसी के
चरित्र पर हम कीचड़ उछालें। पूरा देश भुखमरी का शिकार था, तो अभी चुनौती क्या क्या थी? संविधान निर्माण के समय देश एकदम अस्त व्यस्त है, जरा सोचिए। तो इन महान नेताओं ने दायित्व बांटा, संविधान निर्माण की कई समितियां बनाई गई। ये जो आप मूल अधिकार पढ़ते हैं, जिनमें छुआछूत को रोका गया, जिनमें समता की बात की गई, जिसमें आरक्षण की बात की गई, पढ़ाई में और नौकरी में सबके लिए कुआं खोले गए, सभी लोगों को धर्म की अपनी आज़ादी की बात जिसमें की गई है, उस मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। जो संघ राज्य संबंध है कि केंद्र कैसे रहेगा, राज्य कैसे रहेगा, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू बने उस समिति के। और पूरे संविधान को संकलित करके, ड्राफ्ट करके पेश करने की समिति जो बनी, उसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी, जो सबसे महत्वपूर्ण थी। उसके अध्यक्ष बनाए गए थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। ऐसे ही अनेक समितियां बनाई गई थी। और क्या चुनौती थी? ये लोग कैसा देश चाहते थे? जैसा संविधान बनाए हैं वैसा ही चाहते थे। तो ऊंच नीच का बहुत बड़ा भेदभाव था। आप सोचिए, उस जमाने में एक संविधान में लिख देना कि छुआछूत अपराध होगा, सजा मिलेगी, मामूली बड़े क्रांति की बात थी। उस समय लिख देना कि सभी होटल में हर जात के लोग जाएंगे, ये मामूली बड़े क्रांति की बात रही होगी। जिसको जो इच्छा होगी वो कार्य व्यवसाय वो करेगा, यानी अछूत जात का व्यक्ति भी पान की गुमटी लगा के पान बेच पाएगा, ये मामूली बड़ी क्रांति की बात उस समय के लिए रही होगी। लेकिन इन महापुरुषों ने वो कर दिखाया। ऐसी किताब न केवल लिखी बल्कि उसको समाज में मान्यता दिलाई। हाँ, एक संगठन था जो उस किताब का भरपूर विरोध कर रहा था, आरएसएस और हिंदू महासभा। आरएसएस तो कोई स्थापित संगठन है नहीं, कोई उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई मेंबर नहीं है, वो कागज पर कहीं नहीं है, वो सब हवा में है। लेकिन हिंदू महासभा एक पार्टी के रूप में थी, उसने संविधान सभा का बहिष्कार किया, शामिल नहीं हुई। क्यों नहीं शामिल हुए? उन्होंने कहा था कि अगर सबको बराबरी का संविधान बन रहा है तो हमको यह संविधान बनाने में शामिल नहीं होना है। हमारे लिए, हमारे पास पुरानी किताब है मनुस्मृति, देश उसी से चला है, आज भी चल रहा है, इस नाते हम उसी से अब चलाएंगे। अंग्रेज जो चुनाव करा रहे थे, जो सबके लिए स्कूल खोल रहे थे, इसको हम देखेंगे कि हमारे मनुस्मृति में फिट बैठता है कि नहीं। लेकिन शेष सामाजिक रवायतें तो मनुस्मृति से ही चल रही थी। आज भी कुछ लोग कहते हैं सर मनुस्मृति तो बाबा साहब ने जला दी। अरे, आपने कोई किताब जला दी तो प्रतीकात्मक जला रहे हैं ना, लोगों की मान्यताओं में तो चल रही है ना, बताइए, मान्यताओं में तो चल रही है ना, वो बहुत जगह चल रही है। उन्होंने एक साहस का परिचय दिया था कि हम इसको जलाएंगे, ईश्वरीय किताब नहीं है ये, किसी मनुष्य ने लिखी है जिसमें भेदभाव भरा है। तो वह संगठन बहुत जोर शोर से विरोध कर रहा था, यहां तक कि जब तिरंगा समिति बनाई गई, राष्ट्र झंडा समिति, उसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और जब उसमें तीन रंग के झंडे की बात आई, उसका भी विरोध किया आरएसएस के लोगों ने, यह कहकर कि तीन तो अशुभ होता है और ये तीन रंग की पट्टी क्या, हमारा तो पहले से भगवा है। इसी नाते वह संगठन आज भी जो है भगवा को ही झंडा मानता है। भारत माता का कभी चित्र देखिए, जो आरएसएस का होगा उसमें भगवा झंडा लगा रहेगा, उसमें तिरंगा नहीं रहता है। और संविधान को उन्होंने नहीं माना, उन्होंने कहा कि ऐसी पोथियां हमने बहुत लिख कर रखी हुई हैं जिससे समाज में इसको मान्यता दिलाने में बहुत दिक्कत थी। अगली चुनौती क्या थी? पूरा ब्रिटिश भारत, ये जो पीले कलर में आप देख रहे हैं, ये ब्रिटेन के सीधे सत्ता में चल रहे थे, तो ये तो पाकिस्तान में चला गया यहां से। यहां सब जगह जमींदारी व्यवस्था थी, कहीं कहीं मालवाड़ी थी, कहीं कहीं उसको रैयतवाड़ी कहते थे। पूरे देश में जमींदारी व्यवस्था बनाकर अंग्रेज अपना राज कर रहे थे। अब उन जमींदारों को कहां एडजस्ट करेंगे, और जमींदार के पास कितनी शक्ति रही होगी? आज भी आप देखिए अपने गांव के जमींदार घराने को, तो उनकी हवेलियों में आज एक दाग आज तक नहीं आया होगा, क्योंकि इतनी मजबूत बनाई गई है उस समय की। सारी रियाया दरिद्र थी, लेकिन जमींदार बहुत अमीर थे। अब इसका यह मतलब नहीं कि उनसे हम बदला लेने जाएं। अरे भाई, उस समय के सिस्टम यही था कि किसी एक आदमी को जमींदारी दी जाएगी और उससे
मालगुजारी मांगी जाएगी, वो जनता को भाड़े पर समझिए खेत देगा, बटाई पर वो लगान वसूलेगा, खेतों का मालिक वो है, जब चाहे भगा देगा। तो पूरा भारत जो है वो जमींदारों में बटा हुआ था और सारी जमीनें जमींदारों के पास। मामूली बड़ी चुनौती थी पहली सरकार के सामने, केवल कह देने से कि उस समय के नेता ऐसे थे वैसे थे। जमींदारों से जमींदारियां लेना, वो जमींदार आधे गांव के लोगों को तो लठैत बना के रखते थे, आप लड़ते किससे उनसे। आज भी जमींदारों का बहुत सम्मान होता, रसूख होता अपने इलाकों में, जमींदार घरानों का। दूसरी बात कि जो शेष भारत था जिसमें नीले कलर में दिखाया गया, वो रियासतें थी, रजवाड़े थे, राजा थे सब। हैदराबाद का निजाम नवाब, मैसूर का नवाब, भोपाल का नवाब, अजमेर का नवाब, तो कहीं ग्वालियर का राजा, तो कहीं और कहीं का राजा। इतनी रियासतें थी गुजरात में, इतनी रियासतें थी, देखिए पूरा गुजरात, गुजरात अमीर क्यों है, ये कभी ब्रिटेन के कब्जे में गया ही नहीं है। राजस्थान ये देखिए, ये तो रजवाड़ों के चलते गरीब है, सारे राजे महाराजे थे यहां। 1857 की क्रांति यहीं से तो यहां तक हुई है। और बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम, ये तो बहुत पहले ही अंग्रेज जीत गए थे 1757 और 1764 में। इस नाते इधर पूरा उनका इलाका, इधर कहीं रजवाड़े नहीं है, ये आदिवासी इलाकों में थोड़े थोड़े रजवाड़े कुछ थे जो छोटी छोटी आदिवासियों की रियासतें थी। तो इन रियासतों को कैसे मिलाएंगे, ये राजा साहब लोग हैं, इनको कैसे मिलाएंगे, उनसे युद्ध भी लड़ना था। तो ऐसे में संविधान आपका लिखा जाना बहुत चुनौतीपूर्ण था कि ऐसा संविधान लिखा जाए कि जिसमें रियासतदार भी सहमत हों, जमींदार भी अपनी ज़मीन देने को सहमत हों, बाबा जी लोग, पंडित जी लोग भी छुआछूत को रोकने को अपराध बनाने पर न चिढ़ें, उसको स्वीकार करें। मंदिरों की तरफ से बहुत सारे विरोध हो रहे थे कि सबके लिए कैसे मंदिर खोल देंगे आप, सुप्रीम कोर्ट में तमाम याचिकाएं जाने लगी। आज जो लोग हिंदू 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 कह के एकता का नारा लगा रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट में उस समय लोग रिट डाल के बोल रहे थे कि हमारा मंदिर हिंदुओं का मंदिर नहीं है, ये तो द्विजों का मंदिर है। अक्षरधाम जो गुजरात में बहुत विशाल मंदिर है, जो अब दिल्ली में भी बन गया है, वो स्वामीनारायण संप्रदाय का मंदिर है। संविधान के अनुच्छेद के तहत जब उसमें सभी जाति वर्ग के प्रवेश का अधिकार मिला और दलित महासंघ के अध्यक्ष जाने लगे वहां मलुकदास जी, तो वहां के महंत यज्ञ पुरुष दास जी सुप्रीम कोर्ट चले गए और उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 25 में जो सभी हिंदुओं के को सभी मंदिरों में जाने का अधिकार है, हमारे मंदिर पर लागू नहीं है, क्योंकि हमारा मंदिर हिंदू संप्रदाय का मंदिर है ही नहीं, हम तो स्वामीनारायण संप्रदाय के हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डांटा और कहा कि सुधर जाइए, ये सब मनुष्य हैं। तो हे मेरे साथियों, सुप्रीम कोर्ट में उस समय कौन बैठे थे, तब भी तो ब्राह्मण ही रहे होंगे ना, संविधान सभा में कौन बैठे थे, ब्राह्मण ही थे ना, और वो जो महंत मना कर रहा था वो भी ब्राह्मण। तो हमको ये देखना कि तो इसमें मनुष्य कौन है और किसके दिमाग में भेदभाव का जहर भरा हुआ है। तो समस्याएं जमींदारों की, समस्याएं रियासतों की, समस्याएं ऊंच नीच की, समस्याएं जनता के अशिक्षित निर्धन होने की, समस्याएं देश के विभाजन की, समस्याएं अत्यंत गरीबी की, और समस्याएं एक बहुत बड़े संगठन के जो 1925 से खड़ा हुआ था, जो बहुत बड़े आधार पर एक अपना समर्थन रखता था, ऐसे संगठन का बहुत जोरदार विरोध था संविधान निर्माण पर। 2002 तक वो तिरंगा स्वीकार नहीं किए थे। तो ऐसे में देश के संविधान का निर्माण उस समय पर हुआ जब दशाएं बहुत ही प्रतिकूल थी। आज के लिए मैं यही कहकर बात खत्म करूंगा कि किसी भी महान ग्रंथ का निर्माण किसी बहुत विकट परिस्थिति में ही होता है। समझिए कि ये भारत प्रसव पीड़ा से गुजर रहा था, बच्चा पैदा होता है तो माँ बहुत दर्द सहती है ना, तो भारत को माँ अगर मानिए तो ये बहुत प्रसव पीड़ा से गुजरा, तब संविधान रूपी किताब का जन्म हुआ।
हर तरह से समस्या थी जिस समय संविधान लिखा जा रहा था। भारत की धरती ने अनमोल रत्न पैदा कर लिए थे कि सब के सब एक दूसरे के लिए सोच रहे थे और अच्छी से अच्छी बात दुनिया से ला करके अपने ग्रंथों से अपनी किताबों में जो अच्छी बातें हैं, अपनी सोच में, संस्कार में, आचरण में जो अच्छी बातें हैं, सिर्फ उन्हीं को चुन चुन कर लिख रहे थे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। धन्यवाद।